हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर रॉ व्लॉग। तो ये नेक्स्ट डे है, मतलब लास्ट रॉ व्लॉग जो हमने देखी थी रिट्स की, तो उसमें मैं उसका प्राइस बताना भूल गया कि गाड़ी में रिट्स में टोटल कितना खर्चा आया। सो दैट वाज अराउंड 13,640 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी काम हुआ, जितना हमने सस्पेंशन का देखा, जो डैशबोर्ड खुला और सब कुछ, उसका कंडेंसर क्लीनिंग एवरीथिंग, दैट वाज 13,640 रुपीज़। तो डस्टर का कल मैंने आपको दिखाया था जो चेसिस बेंट थी, प्लस इसमें और भी बहुत सारे काम निकले। एक तो सर्विस हुई है इसकी, तो कल मैं जल्दी चले गया था गैरेज से, तो सर्विस इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, प्लस इसका क्लच चेंज होना है। फ्रंट मैंने आपको चेसिस दिखाई थी, बेंड है वो अभी सही हो रही है, एंड इसका पीछे का डेड एक्सेल जो होता है रेयर व्हील्स का, वो भी बेंड है, वो भी चेंज होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाड़ी पटरी पर चढ़ गई थी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि डस्टर में क्या काम चल रहा है। सो गाइस, ये डस्टर हमने यहाँ लगाई हुई है पुलिंग एरिया में, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ पुल करते हैं। एक वो पूरा पिलर है, उससे होती है ऐसे पुल। एक यहाँ नीचे हमने पिलर गार्ड रखा है, दिस इज़ गोइंग इन द ग्राउंड, नीचे 5 फुट गहरा है, उसके अंदर ही हमने पिलर गाड़ा हुआ है। और ये डस्टर इस पर लगाई हुई है बिकॉज इसकी जो चेसिस थी ये ऐसे ऊपर की तरफ बेंड थी, हमें इसे नीचे खींचना है। सो दिस इज़ द सेटअप वी आर डूइंग। इसको गर्म करके इस पुलर को हम टाइट करेंगे तो उसका जो बेंड है वो सीधा हो जाएगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही है कि इसका पूरी आगे की फ्रंट चेसिस या तो काट के चेंज करो, और अगर आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी में तो पूरी नीचे की पूरी चेसिस ही, जो पीछे तक पूरा बॉडी फ्रेम है, वही चेंज होगा। सो दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली ऑप्शन। सबसे कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन यही है कि इसको पुल किया जाए, सीधा किया जाए। तो हामिद भैया लगे हुए, क्योंकि इसका जो ये क्रैश बार है ना, ये भी इस पर अटैच्ड है, बोल्ट से ही लगा हुआ। तो अगर हम इसको काटते हैं तो क्रैश बार भी कटेगा, दोनों तरफ से कटेंगे पिलर्स, और दोनों नए वेल्ड होंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड पैसे भी उसमें ज़्यादा लगेंगे। सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ये देखो, ऐसे इसको धीरे धीरे पुल करना पड़ेगा ताकि जो बेंड है वो सीधा हो जाए। इधर का मैंने आपको कल दिखाया था, इधर का देखो सीधा हो गया, और इस तरफ का नाउ वी आर ट्राइंग कि वो भी सीधा हो जाए। तो इसमें जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगा मैं आपको बताता रहूँगा, फिलहाल गाड़ी में चल रहा है। इसमें पीछे का डेड एक्सेल भी चेंज होना है और इसका क्लच का काम भी होना है। प्लस गाइस, चेक आउट द स्कोडा ऑक्टाविया नाउ, पूरी तरह वॉश हो गई है, रबिंग इसकी हो ही गई थी, एंड नाउ यू कैन सी कि गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है। अभी तो खैर शेड के अंदर खड़ी है, लाइट कम आ रही है, बट या इट्स लुकिंग रियली नाइस। और यहाँ उमर भैया लगे हुए हैं स्टैंडर्ड हेराल्ड में। तो बहुत टाइम पहले मैंने अपनी लाइव वीडियो में दिखाई थी, लोग कहते थे इसकी वीडियो बनाओ। मैं इसकी वीडियो इसलिए ही बना रहा बिकॉज इसमें बहुत धीरे काम हो रहा है, एंड ऐसी विंटेज गाड़ी को रिस्टोर करने में ना धीरे ही काम होता है, बिकॉज जो ओनर क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना, एंड अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो प्रायोरिटी बेसिस पे काम होगा। बट ठीक है, जब कोई फ्री होता है तभी इसमें लगता है, तो इस पे काम चल रहा है। डस्टर का अपडेट आपको देता हूँ मैं 1 घंटे बाद। सो गाइज, हामिद भैया सुबह से काम कर रहे हैं इसमें, अराउंड 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो शीट में जो वेव्स हैं वो तो उतनी नहीं गई, बट पिलर जो हमें नीचे खींचना था वो हो चुका है। तो अब आई थिंक गाड़ी का जो लेवल है वो सही आ गया होगा, तो वो चीज़ देखते हैं एक बार। तो गाड़ी को अंदर लगाते हैं एक बार, फ्लैट जगह पर जहाँ पर टायर ऊपर नीचे ना हो, वहाँ बीच में लगाते हैं और फिर इंची टेप से नाप के देखते हैं। पहले तकरीबन ये वाला हिस्सा अंदर था अराउंड 1.5-1.3 इंचेस, तो अब काफ़ी हद तक खींच दिया हमने पिलर, तो अब देखते हैं। सो गाइस, हमने डस्टर लगा दी यहाँ लिफ्ट पे, बिकॉज हमने जब यहाँ पे बिल्कुल प्लेन उस पर लगा के देखी तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी गाड़ी पूरी तरह से उठी ही थी। तो हमने यहाँ लगा के देखी तो एक चीज़ और नोटिस करी कि ये वाला जो बोल्ट है, ये वाला बोल्ट, ये पीछे को गया हुआ है। इट्स सपोज टू बी स्ट्रेट, तो आई डोंट नो वीडियो में पता लग रहा है कि नहीं, बट ये पीछे गया हुआ है, ये सीधा आ जाइए तो गाड़ी भी थोड़ी और खींचेगी। प्लस इसका जो ये वाला हब है, मतलब अगर हम टायर लगे लगे देखें तो फेंडर और टायर के बीच में यहाँ पे कम गैप है, उधर ज़्यादा है, तो पूरा टायर भी पीछे गया हुआ है। जब हमने यहाँ से नापा तो यहाँ पे भी 1/2 इंच का फ़र्क आ रहा है दोनों में। एंड जो गैप है, गैप का सेकेंड रीज़न है
जब ये शॉकर माउंट देख रहे हो, ये ड्राइवर साइड है जहाँ से गाड़ी बैठी हुई है, तो ये देखो ये बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, प्लस ये कंप्रेस भी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, और ये देखो ये दूसरी साइड का है, इसका इसका गैप देखो और इसका गैप देखो, बहुत फ़र्क है। प्लस इसको एक मॉन्टी भी एक बार उठा के घुमा के दिखाओ, ये देखो ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ये दूसरी साइड का है जहाँ से गाड़ी ठीक है, अब ये वाला दिखाना, ये देखो ये बिल्कुल जाम हुआ हुआ है। तो इसका जो व्हील बैरिंग कह रहा हूँ, शॉकर बैरिंग है, वो भी ख़राब है, और ये देखो शॉकर माउंट की हालत, रबड़ के चीथड़े हो रहे हैं, ये नीचे भी घुसा हुआ है, पूरा जाम भी है। तो दोनों शॉकर माउंट बदलेंगे, बैलेंस सेम हो जाए और शॉकर बैरिंग भी चेंज होंगे, प्लस गाड़ी अभी थोड़ी और खींचेगी आगे की साइड को। तो फिलहाल ये अपडेट है, एंड अभी साइड इसका क्लच भी चेंज होना है, सस्पेंशन को चला के भी चेक करना है, सस्पेंशन भी इसका बज रहा है, पीछे का इसका डेड एक्सेल भी आएगा, वो भी चेंज होना है, तो काम बहुत है इसमें। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल मैं गैरेज से थोड़ा जल्दी निकल गया था, एंड मेरे पीछे से इसके शॉकर माउंट, शॉकर बैरिंग लग चुके हैं, क्लच प्लेट भी आज सुबह लग चुके हैं, क्योंकि अभी मुझे आने में 1 बजी है। आज मेरे घर में लंच रेडी नहीं था, लंच बनने में टाइम लग गया, तो मुझे आने में टाइम लग गया। तो आपको दिखाता हूँ जो पुराने शॉकर माउंट उतरे हैं और पुरानी क्लच प्लेट, बिकॉज नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, रिसेट के मेरे आने से पहले ही लग चुकी है, तो पुराने वाले ज़रूर दिखा देता हूँ। तो काशिविया रैपिड में कुछ प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज कर रहे हैं, एंड गाइज यहाँ पे सचिन और मोंटी लगे हुए हैं, इसकी क्लच प्लेट का काम कर रहे हैं। एज सेड अभी अराउंड 1 बजने वाला है, देखो तो मैं आने में बहुत लेट हो गया, तो सुबह से ही इसके क्लच प्लेट का काम शुरू हो गया था, तो उतर के लग के वापस टाइट हो रहा है, ये पड़ा है पुराना, ये है पुरानी क्लच प्लेट और ये है पुरानी इसकी प्रेशर प्लेट, तो बहुत गंदी हो रही है, ये देखो वो पड़ा है क्लच रिलीज बैरिंग, ये पड़े हैं पुराने शॉकर माउंट, हालत देखो इनकी पूरी तरह से कटे फटे पड़े हैं यार, बहुत बुरी हालत है इनकी, तो ये देखो आउट ऑफ शेप हो रहे हैं। ये वाला तो स्पेशल, ये उसी साइड का है जहाँ से गाड़ी दब रही है, तो जब से हमने कल ये लगाए हैं तब से गाड़ी उतार के नीचे देखी नहीं है, बिकॉज क्लच का काम आया था, तो अभी लिफ्ट पे ही है, तो अभी ये हो जाए फिर उतार के देखते हैं गाड़ी, और अभी वो वाला जो है हल्का सा नट जो टेढ़ा है वो भी बाहर को खींचना है, तो ये होने देते हैं उसके बाद देखते हैं। एंड द कार इज लिफ्टिंग अप, ये देखो नीचे दो दो जैक लगाए हुए ट्रांसमिशन को सपोर्ट करने के लिए, एंड हियर यू कैन सी द न्यू शॉकर माउंट्स, पता नहीं यहाँ से पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है आपको, शॉकर किट भी नहीं है। 20 minutes later ओके गाइस, क्लच का वैसे सब काम हो गया है, अब मोंटी इसमें ट्रांसमिशन हमें डाल रहा है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस में देखी होंगी ये सबसे बोरिंग काम होता है, बोतल पकड़ के खड़े रहो और धीरे धीरे इसमें ऑयल जाता है, तो बाकी सब काम तो हो ही गया है, उसके बाद गाड़ी उतार के देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें गैप कितना है, अब ठीक हुआ शॉकर माउंट डलने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। 24 hours later तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, डस्टर वापस लगी है लिफ्ट पे, इसका नया डेड एक्सेल हमने मंगा लिया है बिकॉज पुराने वाला बेंड है, तो इसकी लेंथ देखो ऑलमोस्ट 75.5 आ रही है, ठीक है अब नए वाले का दिखाते हैं आपको, ये देखो 57.5, ये ऑलमोस्ट 58.5 तक जा रहा है, अगर आप यहाँ तक देखो तो अराउंड 1 इंची 1.5 इंची का बेंड है पुराने वाले में, एंड दिस इज़ द रीज़न कि पीछे का टायर भी अंदर जा रहा था और हल्का सा टेढ़ा था, तो पुराना डेड एक्सेल भी बेंड है, नया आ चुका है, आगे का कल काम हो ही गया था क्लच का एंड एवरीथिंग, बस इसका यहाँ से थोड़ा इसको बाहर खिंचवाना रहता है अभी, तो गाड़ी की हालत देख लो अभी क्या हुई है, प्लस एक इनोवा क्रिस्टा आई हुई है, दिस इज़ DC डिज़ाइंड पीछे से, एंड अपोलो इज़ हेयर, पोलो GT TSI, ये भी YouTube के थ्रू आई है, सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे। ओके पीपल, आफ्टर अराउंड 2 आवर्स 2 घंटे के बाद नया डेड एक्सेल लग चुका है, पुराना वो पड़ा है, जितने उसमें से पार्ट्स ट्रांसफ़र करने थे इसमें वो करके नया डेड एक्सेल लगा दिया है,
तो थोड़ी देर में गाड़ी नीचे उतारते हैं, फिर देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। बाकी आगे से अभी भी खींचनी रहती है थोड़ी। तो सर्विस हो चुकी है, क्लच नया लग चुका है, शॉकर माउंट विद बैरिंग लग चुके हैं, और जो मेन आगे से नीचे वो खींचनी थी वो हो गया है, डेड एक्सल नया लग गया है। अब छोटे मोटे काम ही रह गए हैं, सो आई विल कैच यू आफ्टर सम टाइम। प्लस गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ, दिस इज DC डिज़ाइन इनोवा, पहले पता नहीं मैंने आपको दिखाई है या नहीं। सी सो फ्रंट कैबिन और रियर कैबिन सेपरेट हुआ हुआ है, आगे से कुछ ऐसी है, ऑटोमेटिक वेरिएंट आल्सो हैज अ वॉकी टॉकी, बीच में पार्टीशन एंड पीछे से इट लुक्स लाइक दिस। बस यहाँ पे सीट रिक्लाइनिंग के पूरे बटन्स एंड ऑल एवरीथिंग इज हियर। ऊपर रेयर एसी वेंट्स जो कि नौ में आती हैं। सो या लुक्स कूल, पता नहीं मैंने आपको पहले दिखाई है या नहीं, क्योंकि आती रहती है हमारे यहाँ। और जो एक कैमरा दिख रहा है आपको ये वाला, जो पीछे स्क्रीन लगी है ना टीवी, उस पे जो आगे चल रहा है विंडशील्ड पे वो दिखाता है, मतलब पूरा लाइव उस पे दिखाता है। मच लेटर। सो गाइस एज यू कैन सी, जो चेसिस का बोल्ट हल्का सा ऐसे टेढ़ा था, आज उसको खींच रहे हैं और उसको सीधा करने की कोशिश हो रही है। तो पिलर से बांधी हुई है यहाँ से गाड़ी, एंड पीछे जो वो वाला पिलर है उससे आप देखो नीचे चेन पूरी जा रही है, उससे बांध रखी है ताकि ये चीज़ सीधी हो जाए। सर जैसे नेक्स्ट डे तालाब में देखा था कि हम डस्टर को नीचे से पुल कर रहे थे, उसका जो नट चेसिस का हल्का टेढ़ा था उसे ठीक कर रहे थे, तो वो हो चुका है, बम्पर भी लग चुका है, और जो इसके लेवल्स थे जो गाड़ी की तरफ से बैठी हुई थी वो भी नॉर्मल आ चुके हैं। सो लेट मी शो यू। तो गाइस लेट मी शो यू, मनोज भैया हैं एंड ही इज शोइंग अस। ये देखो यहाँ पे चार उंगली का गैप है, अब ऊपर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अराउंड 7 fingers, ठीक है। अब उधर चलते हैं, ये देखो अराउंड 7 fingers, और यहाँ पे भी ये देखो 4 उंगली का गैप पूरा बराबर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखो 4 fingers, यहाँ पे 6 fingers का गैप है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे भी ये देखो 6 fingers का गैप ऑलमोस्ट, और हाँ ये रह गया, ये देखो यहाँ पे भी 4 fingers। सो आगे हाइट जो है उसमें हल्का सा 19-20 का फ़र्क है, बिकॉज अगेन ये रिपेयर्ड है, अगर चेंज होता तो बिल्कुल 0-0 होता। पीछे बिल्कुल बराबर है, पीछे हमने इंची टेप से भी नापा, कोई फ़र्क नहीं है। आगे जस्ट 1/4 inch का फ़र्क आ रहा है, 1/4 inch गाड़ी यहाँ से अभी भी हल्की नीचे है, बिकॉज यहीं से हिट हुई थी, तो जितनी रिपेयर हो सकती थी हमने कर दी है। अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो चेसिस चेंज ही होगी पूरी, एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। प्लस एवरी साइड बम्पर लग चुका है, इसके 2 LED बल्ब भी ख़राब थे वो भी चेंज किए हैं, और भी छोटे मोटे कई काम हुए हैं, बट मेजर तो यही था। तो बस गाड़ी रेडी करवानी है, इसके मड स्लैप वगैरह लगने हैं, तो एक बार वो हो जाए, गाड़ी रेडी हो जाए, फिर आपको बताता हूँ टोटल कितना बिल आया। बट हाँ काफ़ी तगड़ा मोटा बिल बना है इसका। सो आई विल कैच यू आफ्टर अ व्हाइल नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो गाइस एज यू कैन सी बिहाइंड मी, डस्टर हो गई है रेडी, अभी पॉलिश लगा के गाड़ी खड़ी की हुई है, इसकी रबिंग पॉलिश भी करवा दी है हमने, और गाड़ी अब पूरी तरह से रेडी है। बिल इसका बन रहा है, जो क्लाइंट हैं वो कल सुबह आएंगे गाड़ी लेने। सो मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ और आपको तब बताऊँगा कि इसमें टोटल क्या क्या काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है एक्चुअली, एंड इसका टोटल कितना बिल बना है, तो वो बताता हूँ आपको कल। 1 week later. So guys, this is not the next day, बल्कि next week. As usual, मैं video end करनी भूल गया था। अभी मैं ऑटोबॉट में बैठा हुआ जब video edit कर रहा था, तो मुझे realize हुआ कि मैंने video end ही नहीं करी और आपको bill बताया ही नहीं। तो पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ है, फिर जो total figure है वो आपको बताऊँगा। तो इसमें हमने गाड़ी की सर्विस करी, जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर है, हेडलाइट का एक LED बल्ब है, दो हैं एक्चुअली, एंड फ्रंट वाइपर ब्लेड है, क्लच सेट है, क्लच बेयरिंग है, डेड एक्सल है पीछे वाला जो मैंने आपको दिखाया था,
उसके बाद रेयर वाइपर भी है, एक फेंडर लाइनिंग है, फेंडर लाइनिंग के लॉक्स हैं, व्हील अलाइनमेंट भी हुई थी, मड फ्लैप सेट है चार का, ब्रेक ऑयल टॉपअप है, फ्रंट इसकी जो बॉडी और आर्म और जो चेसिस की पुलिंग एंड एडजस्टिंग हुई वो है, उसके बाद शॉकर माउंट एंड शॉकर किट एंड फुल बॉडी रबिंग एंड पॉलिश और लेबर चार्ज है। तो इसका टोटल बिल जो बना था दैट वाज अराउंड 60,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसमें सारे पार्ट्स हैं, लेबर सब इंक्लूडेड है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस जानना हो देन कमेंट कर देना, मैं वहाँ बता दूंगा। आप ये मत लिखना कि सब चीज़ों का ब्रेकअप बताओ, इतनी सारी चीज़ें हैं, लिखते लिखते इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल दिस इन कमेंट्स। कोई एक दो पर्टिकुलर चीज़ों का प्राइस जानना हो देन बता देना, आई विल टेल यू। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज, अगर पसंद आई हो देन यू नो व्हाट टू डू, यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।